वेलकम बैक टू माई चैनल साउथ साइंस क्लासेस। मैं हूँ आपकी मीनू मैम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में क्लास 12 में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो कि है आपका हेलो एल्केन्स एंड हैलोजन्स। और उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वो किया था हेलो एडिन्स या फिर एरिल हैलाइड। हम हेलो एडिन्स और एरिल हैलाइड पढ़ चुके हैं, साथ में हम उसके दो टाइप्स भी पढ़ चुके हैं कि वो दो टाइप्स का होता है। तो आज हम हेलो एडिन्स या फिर एरिल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ने वाले हैं कि हम एरिल हैलाइड्स को या फिर हेलो एडिन्स को किस तरीके से बनाते हैं। तो आज से हम उसकी विधियां स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी फर्स्ट विधि। तो जो आपकी फर्स्ट विधि है टॉपिक आज का हेलो एडिन्स के निर्माण की विधियां, तो उसका जो फर्स्ट विधि है वो है आपकी हेलोजनीकरण। सबसे पहली विधि क्या है? हेलोजनीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं हेलोजिनेशन। और हेलोजनीकरण पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। चीजें ये हैं कि आप सबको पता है कि हेलोजनीकरण जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एक एग्जांपल है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिनको हमने इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला है और साथ में हमने प्रॉपर पढ़ी भी है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है कि हम एक को हटाकर उसकी जगह पर दूसरे को रख दें, उसी को हम प्रतिस्थापन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ा है कि हमने सपोज कर लो यहाँ पर एक कोई लेटर है, हमने उसको हटाकर उसकी जगह पर कुछ और रख दिया, ठीक है। ये मेरे हाथ में चौक है, मैंने इसको हटाकर उसकी जगह पर पेन ले लिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रतिस्थापन करना कि एक को हटाओ उसकी जगह पर दूसरे को रख दो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन, ठीक है। तो आज हम हेलोजनीकरण पढ़ने वाले हैं। हेलोजनीकरण भी किसका एग्जाम्पल है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। इट मीन्स हेलोजनीकरण में क्या होने वाला है? प्रतिस्थापन होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको दो टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दो टर्म्स कौन सी? पहली टर्म ये कि अगर किसी भी वर्ड के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे करण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? करण लगा हुआ है, हिंदी में करण, ठीक है। अगर हिंदी में करण लगा हुआ है, जैसे इसके लिए क्या लगा है? हेलोजनीकरण। क्या लगा है? हेलोजनीकरण। इट मीन्स हेलोजन को उस रिएक्शन के अंदर जोड़ा जाएगा। क्या करा जाएगा? हेलोजन को उस रिएक्शन के अंदर जोड़ा जाएगा। अगर किसी भी टर्म के पीछे करण लगा हुआ है तो इसका मतलब उस जो प्रॉपर्टीज के पीछे लगा है, मतलब हेलोजन के पीछे लगा है, तो हेलोजन को उस प्रोडक्ट के पीछे, उस रिएक्टेंट के पीछे जोड़ा जाएगा और नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। और प्रोडक्ट में क्या होगी? हेलोजन। और अगर किसी के पीछे, किसी के आगे वी लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं वी हेलोजनीकरण, तो वी हेलोजनीकरण का मतलब ये है कि मैं अब इस रिएक्शन में से हेलोजन को बाहर निकालूंगी। क्या करूंगी? हेलोजन को बाहर निकालूंगी। अगर किसी के पीछे सिर्फ करंट लगा हुआ है, इट मीन्स हमने उसको जोड़ा है। क्या हेलोजनीकरण है? इट मीन्स हम हेलोजन को जोड़ रहे हैं। अगर इस हेलोजन के आगे वी लगा होता, वी, तो हम इसको हटा रहे होते, मतलब हम उसको निकाल रहे होते। उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। आज ये वाले एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हेलोजनीकरण, इसका मतलब हम हेलोजन को जोड़ेंगे, हम हेलोजन परमाणु को जोड़ने का काम करेंगे। देखते हैं हेलोजनीकरण क्या होता है। उसने इसलिए बोला कि हेलोजनीकरण, सबसे पहले हेलोजनीकरण क्या होता है? जब हेलोजन को जोड़ा जाता है तो उसको हम हेलोजनीकरण बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक नाभिकीय और एक पार्श्व। कौन कौन सा हेलोजनीकरण है? नाभिकीय हेलोजनीकरण और पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण। दो तरीके का हेलोजनीकरण हो गया। तो पहले हम नाभिकीय हेलोजनीकरण पढ़ते थे, फिर हम पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण पढ़ेंगे। तो नाभिकीय हेलोजनीकरण में क्या होना है? नाभिक, सबसे पहले चीज की जब हमने लास्ट टाइम हेलो एरिन्स के टाइप पढ़े थे, तो हमने दो टाइप पढ़े थे, एक तो नाभिकीय हेलो एरिन्स और दूसरा पार्श्व श्रृंखला हेलो एरिन्स। नहीं देखा है तो पहले पीछे वाली वीडियो देखना, तब क्लियर होगा। तो उसमें हमने देखा था कि नाभिकीय हेलो एरिन्स क्या होते हैं और पार्श्व श्रृंखला हेलो एरिन्स क्या होते हैं। नाभिकीय हेलो एरिन्स, जिसमें जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो, सॉरी, हेलोजन परमाणु है वो सीधा सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है। और पार्श्व श्रृंखला, जिसमें जो ये हेलोजन परमाणु होता है वो बेंजीन से जुड़े कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी वजह से डिफरेंस आ गया। दो टाइप की रिएक्शन हो गई है, पहला नाभिकीय हेलोजनीकरण, दूसरा पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण। तो पहले हम नाभिकीय हेलोजनीकरण पढ़ लेते हैं। नाभिकीय हेलोजनीकरण का मतलब नाभिक से सीधा हेलोजन परमाणु अटैच हो जाएगा, तो उसे हम नाभिक हेलोजनीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपसे होता है कि जब बेंजीन पर
इंडेक्स बनाते हैं तो हमको वो कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें प्राप्त करते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसमें हम एरो हैलाइड्स को बनाने की या हेलो एरोज को बनाने की नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे। ये अच्छे से पढ़ना है, इससे पीछे वाली भी वीडियो को दोबारा देखना है क्योंकि हेलो एरोज तभी समझ में आएंगे जब हम शुरू से उसको कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।